दीपावली पर्व पर 3 दिवसीय दौरे पर अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को सबसे पहले तिनकुनिया नंबर 3 वनटांगिया गांव पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गांव का भ्रमण किया और विकास कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाँव में स्थित प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण किया और एक छात्र को अपने हाथ से मिठाई खिलाकर उसका मुँह मीठा कराया। उसके बाद मुख्यमंत्री ने वनटांगिया के वासियों के घर पर दीप जलाकर दीपावली मनाया और उनकी समस्याओं से अवगत भी हुए। इस संबंध में वनटांगिया गांव के निवासी लक्ष्मीना गौड़ ने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने हमारे घर पर आकर दिया जलाया है, हम लोग ने मुख्यमंत्री योगी को जलपान कराया है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ष मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गांव में आकर दीपावली मनाते हैं, अगर वह गांव में नहीं आते तो हम लोग दिया नहीं जलाते और दीपावली भी नहीं मनाते, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो नहीं आए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए वनटांगिया गाँव के निवासी लक्ष्मीना गौड़, कोमल पासवान और अपर्णा मिश्रा ने कहा विकास का, ऊर्जा का, प्रकाश का पुंज होती है दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते। शुभम करोतु कल्याणम, आरोग्य सुख संपदा, द्वेष बुद्धि पीठाधीश्वर महंत। चलो किनारे अरे वो कल जो है दीप स्टैंड जो बनाया था 22,000 उसने मुझे बताया, बाद में हमने 25,000 उसका काम किया, बिक गए जो जितने 8 लाख रुपये एक व्यक्ति का, आपका यहाँ का औरंगाबाद का बन रहा है ना, वहाँ पे दुलरिया में एक NI कॉमन सर्विस सेंटर पे यार कहाँ जो है। हेलो हेलो इसे जाओ भैया, बच्चों को सबको मिला है ना, ठीक है जो है। हाँ बोलो, हाँ मेहनत से पढ़ो है, सभी बच्चों को दे देना आराम से, दूरी बना के वही गिरे यही से
बोलू यार आगे भैया 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 आप लोग इधर चलिए अलग से आइए हम करेंगे राम महाराज लक्ष्मीना गोड़ मेरे घर पे आए हैं, दिया जलाए हैं, दीपक जलाए हैं, रंगोली हम बनाए हैं, उसमें दिया रख कर उनसे दिया हम जलवाए हैं, अपने घर में उनको प्रवेश कराए हैं, प्रवेश करा के उनको हम काजू किशमिश बादाम को उनको जलपान कराए हैं। कैसा लग रहा था? हमको बहुत अच्छा लग रहा था। वो नहीं आए यहाँ पर आएंगे तो हम लोग अपना दिया नहीं, पूरे गांव में दिया नहीं बारते, और जब आ गए तो हम लोग अब दीपक जलाएंगे। उनका पहला दिया हमारे बनटांगिया तिकोनिया नंबर 3 में उनका दिया जलता था। कैसा लग रहा था? हमको बहुत अच्छा लग रहा था। सब बच्चों को मिठाई दिए हैं, सबको अपना प्यार दिए हैं, हम लोग के साथ पूरे परिवार के साथ हो, अपने घर के लिए सेल्फी लिए हैं हम लोग के साथ। इससे पहले झोपड़ी था, कोई यहाँ पूछने वाला था नहीं। जब महाराज जी यहाँ पर आए थे तब वो हम लोग के दुख सुख वो समझ कर तब वो लोग हरदम बोलते थे तुम लोग को हम आवास देंगे, सड़क देंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे, सब कुछ तुम लोग के हम अपना परंपरा बुझेंगे। कोमल पासवान जी हम लोग के यहाँ पास आए, दिया जलाए, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने आए अंदर, बच्चे को देखकर वो अंदर आए और मीठा भी ग्रहण किए और हम लोग के साथ हम लोग के हाथ से भेंट भी लिए। और यहाँ पर इन्होंने जैसा, हम तो दूर से आए थे इनसे मिलने के लिए और उनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, सेल्फी भी लिए हम लोग, फ़ोटो भी लिए और उनके साथ सेल्फी भी लिए। हम लोग को बहुत मज़ा आया उनके साथ मिलकर। इससे पहले मुख्यमंत्री जी आते थे क्या हम लोग? हम पहली बार उनसे आए हैं यहाँ पर मिलने, मेरी मम्मी के साथ। और इससे पहले हम उनसे आते थे लेकिन हम मतलब कि नहीं आ पाते थे। पहले ये घर कैसा था? ये पहले मिट्टी का घर था, उसके बाद योगी जी देखे कि यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ का माहौल बहुत वो है, तो उन्होंने इस गांव को देखकर फिर इसको इस शहर को देखकर बदलने की कोशिश की और बदला भी। और यहाँ पर घर, फिर उसके बाद स्कूल सब बनवाए, बच्चों को भेंट भी दिया और गरीबों की मतलब कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अपर्णा मिश्रा घर पर आए, सबको समय दिया, बच्चों से मिले, हमारे साथ दीपक जलाया, पर्व का उत्साह दुगना हो गया, मिष्ठान भी ग्रहण किया और गांव भी घूमने गए, बहुत अच्छा लगा। क्या लग रहा है कि मतलब इतने बड़े कैसा लग रहा? ये आज से नहीं आ रहे हैं, ये काफ़ी समय से इस गांव में आ रहे हैं और इस गांव में आप जो कुछ भी देख रहे हैं, जिस घर में इस वक्त मैं खड़ी हूँ ये पहले एक झोपड़ी थी, आज आप देख रहे हैं ये बहुत अच्छा मकान है, जस्ट सामने एक स्कूल है और भी कई विद्यालय यहाँ पे बन रहे हैं, प्रत्येक विभाग की सरकारी विभागों की योजनाएं यहाँ के लोगों तक पहुँच रही हैं, तो विकास तो हुआ ही है और आगे भी हो रहा है। यही कहना चाहेंगे कि योगी जी आज जो कर रहे हैं उसके चलते सिर्फ प्रदेश में या देश में ही नहीं पूरे विश्व में उन्हें जाना जा रहा है। इसके पहले शायद ही कोई मुख्यमंत्री होगा जिनको पूरे विश्व में जाना जा रहा होगा कि ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। भगवान उन्हें स्वस्थ प्रसन्न रखें और वो इसी तरह हमारा मार्गदर्शन और नेतृत्व करते रहें।